नमस्कार। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मानहानि मामले में जमानत यानी राहत मिलने की बड़ी चर्चा है, लेकिन लगता है जैसे उनकी आफत बढ़ गई है। आप सोचेंगे कि आफत कैसे, तो उस पर हम बात करेंगे, लेकिन पहले आपको सूरत में हुआ सूरत हाल बता दें। 3 अप्रैल को सूरत की सेशंस कोर्ट में राहुल गांधी ने 2 याचिका दाखिल की और बताया गया कि कोर्ट ने उन्हें 13 अप्रैल तक के लिए जमानत दे दी। वैसे आपको ये भी बता दें कि वो दिन भी 13 अप्रैल ही था 2019 में, जब राहुल ने मोदी सरनेम को लेकर बड़े बोल बोले थे। ये और बात है कि वो जगह कर्नाटक में कोलार थी और एक चुनावी रैली में राहुल गांधी ने ऐसा बयान दे दिया कि उन पर आफत आ गई। गुजरात के बीजेपी विधायक पूर्णेश मोदी ने उनके खिलाफ सूरत कोर्ट में मानहानि का मामला दायर कराया था। राहुल पर पूरे मोदी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगा था। इसी मामले पर सूरत की मजिस्ट्रेट कोर्ट ने 23 मार्च को राहुल गांधी को दोषी करार देते हुए 2 साल की जेल की सजा सुनाई थी। अगले ही दिन यानी 24 मार्च को राहुल गांधी को एक और आफत का सामना करना पड़ा। हुआ ये कि उनकी लोकसभा सदस्यता भी रद्द कर दी गई। अगर ये सजा न हटे और इस पर अपील न की जाए तो राहुल 8 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। आपको बता दें कि 23 मार्च को सजा के साथ ही कोर्ट ने इस फैसले के खिलाफ अपील करने के लिए राहुल गांधी को 30 दिन का समय भी दिया था। अब बात आती है अगली आफत की। राहुल गांधी 11 दिन के भीतर ही सूरत की सेशंस कोर्ट में पहुंचे। साथ में उनकी बहन प्रियंका गांधी और कांग्रेस के 3 मुख्यमंत्रियों के अलावा और भी कई नेता थे, यानी कांग्रेस की एकजुटता दिखाने की कोशिश भी हुई। खैर, राहुल गांधी के वकील ने 2 अपील कोर्ट में लगाई। दरअसल सेशंस कोर्ट में अपील यानी सबसे पहले जमानत की अपील दायर करनी पड़ती है और वो की गई, जिस पर राहुल गांधी को 13 अप्रैल तक राहत मिल गई। दूसरी सबसे बड़ी बात थी उनकी सजा खारिज करने की बात, उस पर भी अपील की गई, लेकिन कोर्ट ने कहा कि सभी पक्षों की दलीलें सुने बिना कुछ कहना मुश्किल है, इसलिए मानहानि का केस दायर करने वाले पूर्णेश मोदी और राहुल गांधी दोनों से सारे जवाब 10 अप्रैल तक दाखिल करने को कहा गया, ताकि 13 अप्रैल को ठीक से सुनवाई हो सके। जबकि राहुल गांधी तो 5 अप्रैल से अपने विवादित बयान वाली जगह कोलार से ही एक नया देशव्यापी आंदोलन सत्यमेव जयते शुरू कर रहे हैं। कर्नाटक चुनाव और कई राज्यों के इस साल के चुनाव और फिर 2024 के आम चुनाव के लिए, जहां राहुल और कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के बाद सत्यमेव जयते आंदोलन को भी बड़ा दांव समझा जा रहा है, उस पर असर पड़ना तो लाजमी है। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। बिहार के बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी ने भी मोदी सरनेम मामले को लेकर पटना की मजिस्ट्रेट कोर्ट में मानहानि का मामला दायर किया हुआ है, जिस पर कोर्ट ने राहुल गांधी को समन जारी किया है। मामले की सुनवाई 12 अप्रैल को है और कोर्ट ने राहुल गांधी के वकील से आरोपी को व्यक्तिगत रूप से पेश करने का निर्देश दिया है, तो सोचिए वहां भी उन्हें जाना होगा। इतना ही नहीं, IPL यानी इंडियन प्रीमियर लीग के पूर्व प्रमुख ललित मोदी ने मोदी सरनेम टिप्पणी को लेकर राहुल गांधी के खिलाफ ब्रिटेन की कोर्ट में मामला दर्ज कराने की धमकी दे रखी है। ललित मोदी ने उन्हें भगोड़ा कहने के लिए भी कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा है। ललित मोदी का कहना है कि जब उन्हें अभी तक किसी भी मामले में दोषी करार नहीं दिया गया तो ऐसी बातें क्यों। ऐसे में राहुल को कितनी राहत मिली है, इसका फैसला अब आज तक डिजिटल के दर्शकों के हाथ में है। कमेंट करके अपना रिएक्शन दें और सब्सक्राइब करें आज तक।